नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द एचडी न्यूज। जी हां, अभी हम आप पहुंचे हैं बिहार राज्य के पटना जिला के अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के एक छोटा सा गांव बिहारी बिघा। जी हां, जो आप सुन रहे हैं वही यहां पे हम आप पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं द इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर। यहाँ के लड़के जो है बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये अपना नाम पटना जिला के टॉप 4 में ला चुके हैं बिहार बोर्ड से 10th की परीक्षा पास कर। जी हाँ, आप लोग देखते ही होंगे 2-3 दिन पहले रिजल्ट निकली थी, उसकी घोषणा हुई थी और काफी स्टूडेंट सफल हुए थे। आज उन्हीं के पास मैं पहुंचा हुआ हूँ, उनसे रूबरू बात करने का प्रयास करता हूँ। उनकी जो जीविकोपार्जन थी या पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा थी, कहाँ से किए थे, कैसे किए थे और लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। तो हमारे बगल में पहुंचे हुए सर्वजीत नाम है, पहले तो इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। एसटी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? आपका घर कहाँ पे? मजला बिघा। आपका रेंज कितना आया 10th का? डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक। कितना टोटल कितना आया? 476। आपको क्या लग रहा था कि आपको 476 आता एग्जाम देकर जब आए थे? तो 450 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे जी, आ गया 476। क्या लग रहा है कि जितना लिखे तो उससे ज्यादा आ गया या फिर उतना ही आया? नहीं, जितना सोचा उतना आया। आ गया। लोगों का ये मानना रहता है कि बिहार बोर्ड में रैंक काट लिया जाता है या जितना लिखते वो नहीं आता, आपको क्या लग रहा है? नहीं, उतना थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है, इसलिए 476 है। यानी कि आप भी आस्था को मानते हैं? आस्था और लग अलग नहीं। तो क्या लग रहा है आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक पे हैं, किसका श्रेय देना चाहते हैं? मम्मी पापा बिट्टू भैया। तो आपने इस यहाँ स्थान पे पहुँचने के लिए कैसा मेहनत आपका रहा और किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा? जी, मम्मी पापा को क्या, जब आपने रिजल्ट बताया तो उनके अंदर से क्या फर्स्ट क्या है? खुश थे, पहले से ही पता था, टॉपर प्रिपरेशन के लिए गए तो पता था कि 450 प्लस पक्का है। आप कितने भाई बहन? एक हम, एक मेरी बहन है। आप बड़े हो घर पे? हाँ। पिताजी क्या करते हैं? कारपेंटर है बड़े। आप आगे इस रैंक पे आ गए हैं, आगे की तैयारी क्या करना चाहेंगे और लोगों को क्या बताएंगे? आगे हम बीपीएससी करेंगे, बाकी सबको भी बस टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। बीपीएससी करके क्या करना चाहेंगे? बीपीएससी में कोई अच्छा रैंक मिलना चाहिए बस। उसमें कौन सा जॉब प्राप्त करना चाहेंगे? ये सर्कल ऑफिसर होता है, वो सर्कल ऑफिसर बनना चाहिए। सर्कल ऑफिसर में बिहार में बहुत ज़्यादातर धांधली चल रहा है, क्या आप भी उस रैंक पर जाएंगे तो वही धांधली करेंगे? देखते होंगे काफ़ी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा अगर देखा जा रहा है तो CO कहीं या फिर RO कहीं नाम ज़्यादा आता है, कि ब्लॉक में रसीद के नाम पे तरह तरह की जो डोनेशन लेते हैं, क्या लग रहा है? हम ऐसा तो नहीं करेंगे। आप वहाँ उस पोस्ट पर पहुँचेंगे कितनी सुधार लाएंगे? जैसा कि आपने सर्वजीत से सुना और इनके जो शिक्षक हैं उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं, उनसे भी दो शब्द जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि धरती पे एक माँ पिताजी, उसके बाद शिक्षक गुरुजन ही आते हैं। तो SD में आपका स्वागत है। क्या लग रहा है आपका क्लास यहाँ कितने साल से चला रहा है? ऐसा तो हम घर पे चलाते थे पहले जी, संस्थान और भी रही है मेरा जी, यहाँ पे आए हुए 3 साल हुआ है जी। जी, और 3 साल से हम यहाँ चला रहे हैं। हम सभी बच्चों को अपने भाई बहन की तरह पढ़ाते हैं, हाँ, और सभी को बस गार्जियन की तरह समझाने का कोशिश करते हैं और डांटते भी हैं। वो बच्चा है, थोड़ा सा गलती करता है, एक भाई की तरह समझाते हैं, एक बहन की तरह समझाते हैं, दोस्त की तरह समझाते हैं। 3 सालों में कौन कौन सा स्टूडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अभी तक? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे से पहली बार आया है, लेकिन जब से हम कोचिंग चला रहे हैं, जब से मेरे पास फर्स्ट डिवीजन की संख्या हमेशा से ज़्यादा रही है सर जी। यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन कैसा रहता है? अच्छा ही रहता है सर। बच्चे लोग सबसे पहले बच्चा को बोलते हैं कि बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है सर, इसी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं जी। तो और आगे की जो स्टूडेंट्स लोग हैं, बच्चे लोग आएंगे, उनको किस तरह से गाइड करेंगे ताकि स्टेट लेवल तक पहुँच पाए? सर आगे तो प्रयास रहेगा, पहले तो सर फर्स्ट बार मेरा बच्चा टॉप रैंक पे गया है, तो बस इससे मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ा है। हमें भी लगा कि चलो गाँव में पढ़ा करके हम टॉप लेवल पर बच्चा को भेज सकते हैं ना। हम तो ये कहेंगे सर कि बच्चा जितना मेहनत करेगा सर उतना पाएगा, क्योंकि हर टीचर चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे। तो यही कहेंगे सर कि बच्चा जितना पढ़ेगा उसका रैंक उस पर ही निर्भर करता है सर। टीचर सब टीचर चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे। एक लास्ट सवाल होगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उसको आप अपने शिक्षक के नाते बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि हर बच्चे इस रैंक पे आए और आगे की अच्छा? गार्जियन को हम यही बोलना चाहेंगे सर कि अपने बच्चे को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि
ये जो एज होता है थोड़ा सा वो भटकने का ज़्यादा ये रहता है, भटक जाता है इस समय बच्चा, तो उस समय थोड़ा सा दोस्त की तरह उसे समझाएं और समझे, तभी वो बच्चा आपका दोस्त बन करके और आपका बातें समझेगा और सही लाइन पे जा पाएगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ के शिक्षक से, यहाँ के जो स्टूडेंट टॉप फोर पे आए उनसे बात करने का प्रयास किया। जी हाँ, आप ऐसे ही इस खबर को देखते रहें और आगे जो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा।